नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक की सुर्खियां। बीदर शहर की सड़कें मरम्मत और सफाई के लिए तरस रहा प्रशासन, विफल। कर्नाटका राज्य में अनलॉक के बाद हम्पी में बढ़े सैलानी। कर्नाटका में नए तहसीलों में होगी अग्निशमन थानों की स्थापना, कहा मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने। कर्नाटका राज्य कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा किसानों के साथ संवाद करे केंद्र सरकार। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा देश के लिए मिसाल बना राज्य का डिजिटल पुस्तकालय। कर्नाटका में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से सरकारी कॉलेजों में लागू होगी नई शिक्षा नीति। केजरीवाल पर खट्टर का प्रहार, बोले दिल्ली नहीं संभाल सकते तो हरियाणा दे दो। कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट लगातार दस्तक दे रहे हैं। कप्पा वेरिएंट राजस्थान में फैल रहा है तो दूसरी ओर केरल में जायका वायरस के बढ़ते हुए मामले सामने आ रहे हैं। कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी की कमान संभालने की सलाह दी गई है। कांग्रेस के साथ मिशन 2024 की तैयारी में जुटे प्रशांत किशोर, राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी से की मुलाकात। साउथ एक्टर विजय पर मद्रास कोर्ट ने लगाया 1,00,000 का जुर्माना, लग्जरी कार पर टैक्स बचाने का आरोप। टोक्यो ओलंपिक के लिए हॉकी टीम में 2 अतिरिक्त खिलाड़ियों को शामिल करने की मिली मंजूरी। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 3,87,092 नए मरीज, 624 संक्रमितों की मौत। यूपी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वालों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है। योगी ने कहा है कि प्रदेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को भारी कीमत चुकानी होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर समेत 3 आतंकियों को मार गिराया है और इलाके में सर्च अभियान जारी। लद्दाख में भारत चीन सैनिकों की झड़प वाली खबर को सेना ने नकारा। नेपाल में सियासी ड्रामा खत्म, शेर बहादुर देउबा बने 5वीं बार प्रधानमंत्री। यूएस रिपोर्ट में खुलासा, स्पेस वार की तैयारी में जुटा चाइना, तेजी से विकसित कर रहा एंटी सैटेलाइट वेपन। पश्चिम बंगाल की पार्टी टीएमसी भी मॉनसून सत्र के दौरान पेट्रोल डीजल प्राइसेस, कोविड-19 और किसानों के विषय पर बीजेपी सरकार पर हमलावर रहेगी। फॉर टैक्सी फिल्म सिटी सेक्टर 21 से शुरू होगी और सेक्टर 28, 29, 30, 32 एवं 33 से होते हुए नोएडा हवाई अड्डे तक जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेसिस ने कहा है कि कोविड-19 का नया वेरिएंट डेल्टा विश्व भर में तेजी से फैल रहा है। केपी एक्सप्रेस में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद।